स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक हम लोग बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के सेकंड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी परिवर्धन जैविकी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उस पेपर की हम लोग तीन यूनिट जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज से हम बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के फर्स्ट पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारा फर्स्ट पेपर है जूलॉजी का वो है कॉर्डेटा। इस पेपर में बेसिकली हम फाइलम कॉर्डेटा जो है जंतुओं का एक संघ है कॉर्डेटा, उस संघ कॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे। तो आज हम कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट इस पेपर का डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं पेपर फर्स्ट के साथ, बात करते हैं कि हम लोगों ने पिछली कुछ क्लासेस में 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने जंतुओं के एक क्लासिफिकेशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो जब हम एनिमल्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वहां हम ऐसा देखते हैं कि जंतुओं को कुछ फाइलम में जिन्हें हिंदी में संघ कहा जाता है उनमें क्लासिफाई किया गया है और उन्हीं फाइलम में जंतुओं का जो अंतिम फाइलम है वो कॉर्डेटा है और इस पेपर में हम उसी अंतिम फाइलम के बारे में बात कर रहे हैं। तो नाम आता है सबसे पहले बालफोर नामक वैज्ञानिक का। 1880 के अंदर बालफोर नामक वैज्ञानिक ने पहली बार कॉर्डेटा को एक फाइलम के रूप में एक संघ के रूप में स्थापित किया, इसलिए बालफोर को संघ कॉर्डेटा के स्थापन कर्ता के रूप में जाना जाता है। उसी ने पहली बार फाइलम कॉर्डेटा को एक फाइलम की संघ की मान्यता दी। ओके, अब आज के टॉपिक में आता हूं। आज बात करेंगे बेसिकली फाइलम कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टर्स, हिंदी में इन्हें संघ कॉर्डेटा के आधारभूत लक्षणों के नाम से जाना जाता है। अब आधारभूत लक्षण क्या होते हैं इस पे हम बात करें कि ये लक्षण ऐसे लक्षण हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि कौन से जंतुओं को फाइलम कॉर्डेटा में सम्मिलित किया जाएगा। तो ऐसे कुल तीन लक्षण हैं और ये तीनों लक्षण
जिन जंतुओं में उपस्थित होंगे केवल उन्हीं जंतुओं को संघ कॉर्डेटा में सम्मिलित किया जाएगा। इनमें से अगर एक भी लक्षण मौजूद नहीं है तो जंतु को फाइलम कॉर्डेटा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें हम फंडामेंटल या आधारभूत लक्षणों के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं ऐसे लक्षणों की। नंबर एक, वन बाय वन डिटेल डिस्कस करेंगे इनके बारे में। पहला लक्षण मैंने लिखा है, वे सभी जंतु संघ कॉर्डेटा में सम्मिलित किए जाएंगे जिनमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड उपस्थित हो। इलेबोरेट करते हैं इस बात को, क्या कहना चाहते हैं। सभी जंतुओं में, जो विकसित जंतु हैं, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम उपस्थित होता है। मैं यहां बात कर रहा हूं CNS, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। तो बात कर रहे हैं कॉर्डेटा जंतुओं में। तो कॉर्डेटा जंतुओं में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, एक तो शरीर की पृष्ठ सतह पर होगा, बॉडी में डॉर्सल सरफेस पर होगा। दूसरा, ये तंत्रिका तंत्र जो CNS है वो एक खोखली होलो नर्व कॉर्ड के रूप में है, तंत्रिका रज्जु के रूप में है। तो क्या बात क्लियर हुई यहां से, वे सभी जंतु संघ कॉर्डेटा में सम्मिलित किए गए जिनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठ सतह पर है और एक खोखले तंत्रिका रज्जु के रूप में है। इस डायग्राम में एक आरेख के रूप में मैंने इसे प्रदर्शित किया है। तो ये शरीर की पृष्ठ, ये अदर सतह, तो पृष्ठ सतह पर है तो डॉर्सल हो गया, खोखला होलो हो गया और ये तंत्रिका रज्जु के रूप में है। क्लियर। अब मैं बात करता हूं परिवर्तन की, वो पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो गैस्ट्रुलेशन पे आते हैं, डेवलपमेंट की एक स्टेज है गैस्ट्रुलेशन। तो वहां गैस्ट्रुलेशन के समय हम क्या देखते हैं, एक न्यूरल प्लेट नामक संरचना बनती है एक्टोडर्म से। तो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म न्यूरल प्लेट बनाती है और उसी न्यूरल प्लेट से ये नर्व कॉर्ड विकसित होती है। नर्व कॉर्ड के भीतर की तरफ ये जो खोखली संरचना है न्यूरोसील कहलाती है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करें, वर्टिब्रेट जंतु, हम बात तो कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा की, संघ कॉर्डेटा में तीन उपसंघ है, यूरो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा, वर्टिब्रेट। मैं बात कर रहा हूं वर्टिब्रेटा की, कशेरुकी जंतुओं की, मानव स्वयं वर्टिब्रेटा का ही एक उदाहरण है। तो वर्टिब्रेट में हम क्या देखते हैं कि भ्रूण अवस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो ये नर्व कॉर्ड थी, लेकिन एडल्ट आज जो स्थिति है हमारी तो नर्व कॉर्ड नहीं है। नर्व कॉर्ड के अग्र सिर ने तो बनाया ब्रेन, मस्तिष्क,
नर्व कॉर्ड के पश्च सिरे में बनाई स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु। तो यहां पर इस स्टेटमेंट को हमें चेंज करना होगा। तो क्या नई स्टेटमेंट दें कि वे सभी जंतु संग कॉर्डेटा में सम्मिलित किए गए हैं जिनके जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड उपस्थित हो, चाहे वो भ्रूण अवस्था में हो, चाहे वो वयस्क अवस्था में हो, चाहे वो लार्वल अवस्था में हो। क्लियर। नंबर टू, दूसरे फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर की बात करते हैं। मैंने बोर्ड पे लिखा है नोटोकॉर्ड, हिंदी में इसे पृष्ठ रज्जु के नाम से जाना जाता है। तो नोटोकॉर्ड की बात करते हैं कि सभी कॉर्डेटा जंतुओं में नोटोकॉर्ड होनी चाहिए। ये मैंने रेड कलर से जो स्ट्रक्चर बनाई वो नोटोकॉर्ड है। ये जस्ट नर्व कॉर्ड के बिलो नीचे की ओर उपस्थित है। अब ये नोटोकॉर्ड जो है, अगर मैं परिवर्धन की बात करूं तो परिवर्धन के समय आर्केंट्रोनिक संरचना बनती है, अध्यांत्र कहते हैं जिसको। आर्केंट्रोन की जो रूफ है, अगर ये आर्केंट्रोन है तो ये इसका छत वाला हिस्सा, ये एक्चुअल में एंडोडर्म से बना हुआ है, भ्रूणीय एंडोडर्म। तो उन्हीं भ्रूणीय एंडोडर्म कोशिकाओं से नोटोकॉर्ड का परिवर्धन होता है, नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है। अब फिर मैं बात करता हूं वर्टिब्रेट की, मानव की बात करें तो भ्रूण अवस्था में एम्ब्रियोनिक स्टेज तक तो नोटोकॉर्ड थी, लेकिन एडल्ट आज की स्थिति देखें तो नोटोकॉर्ड नहीं है। नोटोकॉर्ड की जगह वर्टिबल कॉलम, जिसे हिंदी में कशेरुक दंड और मोस्ट पॉपुलरली बैक बोन, रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं, ये उसमें कन्वर्ट। तो हम ये कहेंगे कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, ये तो सही नहीं हुआ। तो हम कैसे देंगे ये स्टेटमेंट कि सभी कॉर्डेटा जंतुओं में उनके जीवन चक्र की किसी ना किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित होनी चाहिए। तो जीवन की किसी किसी अवस्था में पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु हो, और जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड पृष्ठ रज्जु होनी चाहिए, चाहे वो भ्रूण अवस्था में मौजूद हो, चाहे वो एडल्ट स्टेज में या लार्वल स्टेज में मौजूद हो। अब मैं तीसरे फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर की बात करता हूं। मैंने लिखा फेरिंजियल गिल्स, हिंदी में इसे ग्रसनीय क्लोम छिद्र के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या है, पहले तो मैं ये बात करूं कि जो कॉर्डेट एक्वेटिक, मछलियों की बात करें, जो कॉर्डेट एक्वेटिक है, जो पहले वाले प्रोटोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेट में फिशेस की बात कर ले, ये सब एक्वेटिक, तो उनमें श्वसन का काम गिल्स करते, क्लोम करते। ये क्लोम फेरिंग्स ग्रसनी में उपस्थित, तो श्वसन के बाद जो जल है, पानी है, वो ग्रसनी से बाहर निकलना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। तो ये काम इन फेरिंजियल गिल स्लिट्स का है, ग्रसनीय क्लोम छिद्र ये काम करते हैं और उस जल को ग्रसनी से बाहर भेजते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक नहीं है, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमली, उनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो थे ग्रसनीय क्लोम छिद्र, लेकिन एडल्ट में जब श्वसन अंग ही लंग्स हैं, गिल्स है ही नहीं, तो अब पानी को बाहर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसे में स्थलीय कॉर्डेट जंतुओं में ये ग्रसनीय क्लोम छिद्र केवल भ्रूण अवस्था में, वयस्क में नहीं। तो क्या लिखेंगे यहां पर कि सभी
कॉर्डेटा जंतुओं में उनके जीवन काल की किसी ना किसी स्टेज में ग्रसनीय क्लोम छिद्र उपस्थित होने चाहिए। तो यहां हमने तीन फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर की बात की और इस आरेख के द्वारा इन तीनों कैरेक्टर्स की मैंने पोजीशंस ड्रॉ की है। नर्व कॉर्ड कहां है, नोटोकॉर्ड कहां है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स कहां पर है। अब मैं बात करूंगा कि जो फाइलम कॉर्डेटा है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फाइलम कॉर्डेटा के तीन सब फाइलम, तीन इसके उपसंग हैं, जिसमें जो पहला वाला उपसंग है यूरोकॉर्डेटा, जो दूसरा उपसंग है सिफेलोकॉर्डेटा और जो तीसरा उपसंग है वर्टिब्रेटा। हालांकि आउटलाइन क्लासिफिकेशन कल हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी एक सामान्य सी बात में कर रहा हूं। जब मैं यूरोकॉर्डेटा को देखता हूं तो ये जो दो कैरेक्टर्स की बात हम कर रहे थे, नोटोकॉर्ड की, नर्व कॉर्ड की, तो यूरोकॉर्डेटा में ये दोनों लक्षण केवल और केवल लार्वा अवस्था तक ही सीमित है, एडल्ट में ऐसा कोई लक्षण मौजूद नहीं। फिर भी यूरोकॉर्डेटा को संघ कॉर्डेटा में रखा गया है क्योंकि हमने लिखा है कि ये जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में होने चाहिए, चाहे लार्वा में हो, एडल्ट में ना। फिर बात करते हैं सेकंड सब फाइलम की, दूसरे उपसंग की, सिफेलोकॉर्डेटा। एक बड़ा इंटरेस्टेड जंतु है इसका एम्फियोक्सिस, जिसे ब्रैंकियो स्टोमा के नाम से भी जाना जाता है। हम जब ब्रैंकियो स्टोमा को, एम्फियोक्सिस को देखते हैं तो ये जो तीन आधारभूत कॉर्डेट लक्षण हैं, वो उस ब्रैंकियो स्टोमा में, एम्फियोक्सिस में जीवन चक्र की सभी अवस्थाओं में मौजूद है। भ्रूण अवस्था में भी है, लार्वा अवस्था में भी है, एडल्ट स्टेज में भी। इसलिए ब्रैंकियो स्टोमा को, एम्फियोक्सिस को हम टिपिकल कॉर्डेट, प्रारूपिक कॉर्डेट जंतु के नाम से जानते हैं, उसे कॉर्डेटा की ब्लूप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसमें ये तीनों फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर उसके संपूर्ण जीवन चक्र में उपस्थित है। जब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट की, तो हमने कहा था भ्रूण अवस्था में तो मौजूद थे, लेकिन वयस्क में क्या हुआ, ये संरचना मस्तिष्क और मेरुरज्जु में बदल गई, ये संरचना कशेरुक दंड में बदल गई वर्टिब्रल कॉलम में, और ये संरचना अगर जलीय है तब तो मौजूद रहेगी, लेकिन अगर स्थलीय है तो अवशेषी रूप में मौजूद रहती है। तो आज हमने संघ कॉर्डेटा के जो तीन आधारभूत लक्षण है उनके बारे में बात की, वो लक्षण क्या है और किस प्रकार ये लक्षण सुनिश्चित करते हैं कि जंतु संघ कॉर्डेटा में सम्मिलित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो आई थिंक आज का जो लेक्चर था वो आपको इजीली समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे संघ कॉर्डेटा के आउटलाइन क्लासिफिकेशन, कि संघ कॉर्डेटा का किस प्रकार आगे वर्गीकरण किया गया है, कौन से उपसंग, कौन से वर्ग हैं उसमें और उनकी क्या क्या विशेषताएं, कौन से उदाहरण हैं, इस पर कल हम लोग बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए, जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं 3 यूनिट्स, उसके सभी वीडियोस
कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि जब भी अपनी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो वो टॉपिक समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।